यहाँ पर नामकरण हो रहा है, पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस नेता नामकरण। नामकरण किसी शख्स का नहीं बल्कि सड़कों पर मौजूद गड्ढों का। किसी गड्ढे का नाम शिवराज सिंह चौहान के नाम पर रखा गया तो किसी का विश्वास सारंग के नाम पर। ये सब हुआ कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला की अगुवाई में। इस दौरान मनोज शुक्ला ने सड़कों की दुर्दशा के लिए मौजूदा शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मध्य प्रदेश की सड़कों के हाल भोपाल की सड़कों के हाल से आप देख सकते हैं। पिछले दिनों बारिश में मध्य प्रदेश की कई सड़कें और कई पुल बह गए, इससे सरकार की पोल खुल गई। आंकड़ों के बाजीगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वच्छता में तो भोपाल को नंबर दो पे लाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, लेकिन भोपाल की वर्तमान स्थिति इन सड़कों को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं। इन सड़कों, एक सड़क तो ऐसी है जो एक साल में तीन बार बनी और तीनों बार बह गई। आज सुबह बड़ी शर्मनाक घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुई, जहां एक स्कूली छात्र खराब सड़क होने की वजह से स्कूल जा रहा था और उसकी एक्सीडेंट होकर मृत्यु हो गई। लेकिन ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और इसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आज तक सरकार द्वारा गलत काम करने वाले ठेकेदारों को दंडित नहीं किया गया, उनको किसी प्रकार का सरकार द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सरकार भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबी है। ये ठेकेदारों की सरकार है, ये लोकतंत्र का गला घोट के पीछे के दरवाजे से चोरी से बनी सरकार है। कांग्रेस पार्टी जब तक भोपाल की सड़कों की मरम्मत नहीं हो जाती, जब तक भोपाल की सड़कें ठीक नहीं हो जाती। आपको बता दें कि एमपी में कुछ सड़कें इतनी जर्जर हो गई हैं कि जिन पर चलना मौत को दावत देने के समान है। अभी शनिवार रात को इंदौर में एक लड़की की मौत गड्ढे की वजह से हो गई। पिछले दिनों सीएम शिवराज खुद अफसरों के साथ मीटिंग के दौरान इस पर नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कों को सुधारने का काम नहीं शुरू हो सका है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।